हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब फिट एंड फाइन होंगे। तो आज की रेसिपी है बटाटा क्रिस्पी रिंग। तो उसके लिए हमें हाफ कप सूजी चाहिए, हाफ कप सॉल्ट चाहिए, 1 टेबलस्पून गार्लिक चाहिए और 1 टेबलस्पून चिली फ्लेक्स। मैंने यहाँ पे 2 आलू लिया है जिसको बॉयल कर लिया है। और हमें चाहिए बटर चाहिए। अगर आपके पास बटर ना हो तो आप घी का भी यूज़ कर सकते हो, घी या रिफाइंड ऑयल का यूज़ कर सकते हो आप। जो हमने सेमोलिना लिया था हाफ कप, उसको पीस लेंगे ग्राइंडर में, पाउडर फॉर्म में तैयार कर लेंगे हम लोग, जैसे आटा होता है वैसा। तो ये जो बॉईल किया हुआ टमाटर, उसको ग्रेट कर लेते हैं हम लोग, या तो आप मैश कर सकते हो इसको, आपको जो इजी लगे वो कर सकते हो आप। दूसरा भी सेम ऐसे कर लेंगे हम लोग। अगर ये वीडियो आप देख रहे हो, अच्छा लगे तो लाइक कर लेना, और हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, ऐसी न्यू रेसिपी आपको मिलती रहेगी देखने को। अब मैंने पैन को हीट कर लिया, इसमें 1 टेबलस्पून बटर डालना है। और फिर बटर हमारा डाल के हो चुका है, अब हम गार्लिक डालेंगे, चॉप्ड गार्लिक। आपको चाहिए तो गार्लिक आप ग्रेट भी कर सकते हो, आपको जो ईजी पड़े वैसे कर लो आप। जैसे हमारा गार्लिक हो जाएगा, कलर चेंज होगा गार्लिक का, वैसे हम चिली फ्लेक्स ऐड करेंगे। तो क्वांटिटी जितना हमने गार्लिक का रखा था, सेम क्वांटिटी हम चिली फ्लेक्स का रखेंगे, 1 टेबल स्पून। तो ये हमारा हो चुका है गार्लिक का कलर चेंज, हम चिली फ्लेक्स ऐड कर देते हैं। चिली फ्लेक्स डाल दिया मैंने इसमें। अब मैं सॉल्ट डाल रही हूँ 1/2 टेबल स्पून। चिली फ्लेक्स डालने के बाद तुरंत ही हमें डालना है सॉल्ट, और हम पानी ऐड कर देते हैं इसमें। जितना हमने सूजी लिया था, सेम कप से हम पानी ऐड करेंगे। जैसे पानी में बॉयल होगा, एक उबाल आएगा, हम लोग ऐड कर देंगे सूजी, पीसी हुई सूजी जो हमने लिया था पीस के। तो ये ऐड कर देते हैं हम लोग, और अच्छे से मिक्स कर लेते हैं हम लोग इसको। बहुत ही इजी रेसिपी है, इवन बच्चों को बहुत पसंद आता है ये रेसिपी। तो ये हो चुका है हमारा, 2 से 3 मिनट इसको भूना मैंने। अब मैं इसमें जो बटाटा ग्रेट करके लिया था, आलू ग्रेट करके लिया था, वो ऐड कर देंगे हम लोग। इसको भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद हम 2 से 3 मिनट इसको भी भूनेंगे। तो ये भी हमारा हो चुका, हम इसको गैस बंद कर देते हैं। ठंडा होने के बाद इसको हम अच्छे से मिक्स करेंगे, जैसे आटा का गूंथते हैं, आटा तैयार करते वैसे कर लेंगे। अब इसमें हम ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लावर। कॉर्नफ्लावर डालने के बाद भी अच्छे से मिक्स करेंगे। अब इसमें हम डालेंगे चॉप्ड गार्लिक क्लिप्स ऐड कर देंगे इसमें, और उसको भी अच्छे से मिक्स करेंगे। तो ये हो चुका है हमारा रेडी, अच्छे से जैसे रोटी बनाते वैसे हम तैयार कर लेंगे रोलर पिन के सहायता से। तो ये हो चुका रेडी। आप किसी भी ग्लास या किसी चीज़ से भी आपको राउंड शेप देना आप दे सकते हो, जैसा भी शेप देना आप दे सकते हो। तो मैं ग्लास के थ्रू कर रही हूँ, और मैंने यहाँ पे बॉटल का ढक्कन लिया है उससे कर रही हूँ, मुझे राउंड शेप देना है। तो ऐसे सभी हम कट कर लेंगे, और बहुत ही आसानी से इसको निकाल लेंगे हम लोग, केयरफुली निकालेंगे इसको। वीडियो पे नए हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। तो ऐसे निकाल लेंगे कि करके, और सारे हम लोग ऐसे बना लेंगे। अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करना, और आपके फैमिली फ्रेंड्स को शेयर करना। ऐसे सारे बना लेते हैं हम लोग। क्रिस्पी रिंग हमारा रेडी हो चुका है। ये मैंने पैन लिया है जिसमें तेल डाल के मैं हीट हाई फ्लेम पे हीट करना है। अगर तेल गर्म नहीं होगा तो आपका ये क्रिस्पी नहीं बनेगा, इसके लिए इसको मीडियम टू हाई फ्लेम पे कुक करना है हमें। जब आपका तेल गर्म हो जाएगा तो इसमें ऐड कर दीजिएगा 1/1।
चेक कर लेती हूँ हीट हुआ है कि नहीं हुआ है तेल। तो तेल हमारा हीट हो चुका है, चलिए फ्राई कर लेते हैं। कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना, और प्लीज़ हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, फैमिली फ्रेंड्स को शेयर करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।